नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव संपन्न, जिला अधिकारी मोनिका रानी के अनुसार लगभग 59.37% वोटिंग हुई। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। मतदान संपन्न हुआ मैडम, कितने परसेंट रहा, कैसा रहा दिन भर? सर्वप्रथम मैं मतदान दिवस पर सबसे पहले जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी सेक्टर जोनल अधिकारी लगे हुए थे, विभिन्न प्रभारी अधिकारी लगे हुए थे, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स लगे हुए थे और जो हमारे अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य कार्मिक लगे हुए हैं, निर्वाचन कार्यालय जो लगा हुआ था, तो सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो ये लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ, तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया, चाहे कोई भी कार्य उनको दिया गया। और अपने ऑब्जर्वर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम अच्छे से कार्य संपन्न कर सकें। आज मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि अभी कार्य चल ही रहा है, तो इसमें लगभग हम लोग शायद फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए हैं और 60% यहाँ पर मतदान प्रतिशत रहा है। और इसमें जो बड़ी उपलब्धि रही है वो ये रही है कि जो हमारे दिव्यांग थे उनमें से 90% जो है वो लोगों ने मतदान कर दिया, और केवल 10% वो रहे जो किसी वजह से बाहर रहे थे, तो 90% दिव्यांगों को हम वोट डलवा पाए। इसके अलावा अब की बार जब जितने भी हम गांव में या शहर में गए, तो लोगों ने जो बूथ पे व्यवस्था की गई थी, चाहे वो शेड की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, तो उसकी तारीफ की थी और लोग संतुष्ट नज़र आए थे। इसके साथ साथ जो मतदान कार्मिकों को भी रात में रहने में समस्या रहती थी, लाइट की, पंखे की, तो उसका भी ध्यान रखा गया था, तो मतदान कार्मिकों ने उनको भी सराहा। इसके अलावा जो बाकी ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लगातार कंट्रोल रूम में हमारे 50 से 55 जो है कर्मचारी लगे हुए थे, तो कोई छोटी सी भी कॉल होती थी तो उसे तत्काल अटेंड किया जाता था, विद इन 5 मिनट सेक्टर और पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते थे, तो यही कारण रहा कि कोई भी विशेष घटना जो है आज घटित नहीं हो पाई। और जो है सबके दिशा निर्देशों में बहुत अच्छे से जो है निर्वाचन संपन्न, वीडियो फोटो वायरल, उसमें कोई कार्रवाई में? इसमें 7 प्रकरण हमारे संज्ञान में आए थे, जो कि जितनी टीम लगी हुई थी उन्होंने देखा था, तो उनके लिए जो है FIR दर्ज हो गई है, सारे प्रकरण SP साहब को भेज दिए गए थे और उनके द्वारा शायद फर्रुखाबाद थाने में FIR दर्ज करवा दी गई। क्या मैडम सांसद के ऊपर FIR दर्ज हुई? सारे प्रकरण जो है, जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी प्रत्याशी थे, जितने प्रत्याशी थे और जिनके प्रकरण संज्ञान में आए थे, वो सारे प्रकरण जो है उन पर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिए गए। मैडम जो जैसे कि अच्छा मैम, मीडिया